फिल्म की शुरुआत में हम एंडरसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें किसी रहस्यमय क्यूब के अंदर खुलती है, जहां वो खुद को पाकर एकदम हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उसे यहाँ कैसे और क्यों लाया गया है। तभी दीवारों के बीच उसे हैच बना दिखाई देता है, इसलिए वो उसे खोलकर अंदर चला जाता है। पर वो बाहर जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि वहां से होते हुए वो दूसरे कमरे में आ जाता है जो बिल्कुल क्यूब जैसा ही था। ऊपर से तभी एक धारदार जाली उसके सामने से होते हुए गुजर जाती है, जो एंडरसन के शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़े में बांट देती है। यानी कि उस क्यूब के कुछ कमरे में खतरनाक जाल बिछाए गए जिससे ही एंडरसन मारा गया। अब अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनका अपहरण करके उसी क्यूब के अंदर डाल दिया गया था, जिनमें एक पुलिस वाला क्वेंटिन जिसका उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है, वहीं हेलेन नाम की डॉक्टर और जोहन नाम की मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स, ऊपर से ऑफिस में काम करने वाला आदमी डेविड और 7 बार जेल से भागा हुआ आदमी रेने शामिल होते। क्वेंटिन सभी को बताता है कि मैंने बाकी कमरे को चेक किया, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ के कुछ कमरे में अलग अलग तरह के जाल छाए गए जिनकी चपेट में आकर हम आसानी से मर जाएंगे। इसलिए रेरिस अपना जूता निकालकर एक कमरे में फेंकता है जो तुरंत ही जलकर राख हो जाता है, जो देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब वो उस कमरे के सभी हैच को खोलकर उसके अंदर अपना जूता डालता है, और जिस कमरे में उस जूते को कुछ नहीं होता उसके अनुसार वही कमरा सुरक्षित है, इसलिए वो उस कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं सारे लोगों को भी रेरिस का आइडिया ही अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे अलग अलग कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन तब जोहन को हर कमरे के हैच पर कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये नंबर्स क्यों लिखे गए। अब रहने से कमरे में अपना जूता डालता है, लेकिन जूते को कुछ नहीं होता, इसलिए उस कमरे में चला जाता है। पर दुर्भाग्य से उस कमरे के कोने में एक पाइप लगी थी जिसमें से एसिड निकलकर सीधे उसके मुंह पर गिरता है, इसलिए सभी उसे उस कमरे से बाहर निकालते हैं। लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था, जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर कमरे में अलग अलग सेंसर से जाल एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तब जोहन फिर से उन हैच पर लिखे नंबर्स को देखती है, जिसके बाद वो उस कमरे की दीवारों पर बने 6 हैचेस को चेक करती है, जिनमें कुछ हैचेस के नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, जिससे जोहन एक थियोरी बनाती है कि जिस भी हैच के नंबर प्राइम नंबर होंगे उस कमरे में जाल बिछे होंगे। लेकिन बाकी से भी इस थियोरी के बिना अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए सबसे पहले जोहन ही अपने थियोरी वाले कमरे के अंदर चली जाती है, जो सुरक्षित निकलता है, जो देखकर अब सारे लोगों को उसकी थियोरी पर भरोसा होने लगता है, इसलिए अब सारे लोग जोहन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और अब ऐसे ही जोहन प्राइम नंबर्स निकालते हुए कई सारे कमरे को पार कर लेती है। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरे में कजान नाम का आदमी मिलता है, जो दिमाग से थोड़ा कम था। क्वेंटिन उसे अपने साथ लेने से मना कर देता है, लेकिन हेलेन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ कर लेती है, जिसके बाद सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तब जोहन एक कमरे के पास आती है जो कमरा प्राइम नंबर वाला नहीं होता, इसलिए क्वेंटिन उसके अंदर चला जाता है। पर दुर्भाग्य से वहां भी जाल लगा था, जिससे वो मरते मरते बच तो जाता है, लेकिन उससे उसका पैर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं सारे लोग इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब जोहन की थ्योरी भी गलत निकली। अब क्वेंटिन डेविड से सवाल करता है कि तुम हमसे अलग क्यों रहते हो और ना ही आगे का रास्ता बताने में हमारी मदद करते हो, इसलिए कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है कि तुम इस जगह के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हो। इस पर अब डेविड कहता है कि जब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है तो मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं। वहीं ये बात तुम सही कह रहे हो कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, क्योंकि इस क्यूब के बाहर वाले हिस्से को मैंने और मेरी कंपनी ने ही मिलकर बनाया है, लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया कि आखिर ये लोग कौन है जिन्होंने हमें इस तरह के क्यूब बनाने का काम दिया। पर इस क्यूब के अंदर जितने भी कमरे उसके सीक्वेंस को हमारी कंपनी ने नहीं बनाया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है, जो सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब भी उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग ऐसी जगह पर क्यों है। पर अब डेविड की ये बात सुनकर क्वेंटिन उसे मारने लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर इसकी कंपनी उस क्यूब को नहीं बनाती तो ये लोग कभी यहाँ नहीं फंसते। तब जोहन डेविड से सवाल करता है कि जब तुमने इस क्यूब के बाहर वाले हिस्से को बनाया था तब हर हिस्से में कितने कमरे थे और उनका साइज कितना था, जिस पर डेविड कहता है कि इस क्यूब के हर लाइन में 26 कमरे हैं, साथ ही वो पूरा क्यूब का भी साइज बताता है। तब जोहन एक कमरे के साइज से कैलकुलेट करके पूरे क्यूब के कमरे का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसमें कितने कमरे होंगे। तब उसे पता चलता है कि इस पूरे क्यूब के अंदर 17,576 कमरे हैं, जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब उनका मानना था कि वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर वहीं जोहन को एक और चीज समझ आती है कि हर कमरे में जो नंबर्स लिखे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, जिसे इस तरह से लिखा गया कि वो हर कमरे की पोजीशन बताएंगे कि वो कमरा क्यूब में किस तरह है। इसलिए वो एक फॉर्मूला बनाते हुए एक्स को जितने भी नंबर्स लिखे हुए उन सारों का टोटल कंसीडर करती है और वाई को टोटल 26 कमरों के हिसाब से मानकर वो उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। तब उसे एक नंबर
मिलता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि इस नंबर वाला कमरा सुरक्षित है। इसलिए अब सभी उस कमरे के हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वो सभी एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ लगा जाल आवाज से एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सारे लोग बड़े सावधानी के साथ एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आखिरी में क्विंटिन कमरा पार कर रहा होता है कि तभी गलती से कजान के मुंह से आवाज निकल जाती है जिससे वहां लगा जाल एक्टिवेट हो जाता है। पर भाग इसे समझ रहे थे क्विंटिन उस कमरे से बाहर आने में सफल हो जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो कजान को मारने लगता है। हेलेन उसे ऐसा करने से मना करती है जिससे क्विंटिन और हेलेन में झगड़ा हो जाता है। जहां गुस्से में हेलेन उससे कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसी कारण से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई होगी। जो सुनकर क्विंटिन एकदम गुस्सा हो जाता है क्योंकि यही सच था कि उसकी पत्नी उसके गुस्से के कारण ही छोड़कर चली गई, और इसी के गुस्से में वो हेलेन को थप्पड़ मार देता है। आप सभी जिस कमरे में होते डेविड उस कमरे का हैच खोलता है जिसके बाहर खुला आसमान था, जो देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब वो उसके बाहर देखते हैं तो वो क्यूब के काफी ऊंचाई वाले कमरे में होते हैं जहाँ चारों तरफ अलग अलग कमरे का हैच होता है। इसलिए अब सभी ये तय करते हैं कि किसी को एक रस्सी की मदद से नीचे जाकर देखना होगा कि जहाँ पर वो सभी है वो जगह जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। लेकिन उनके पास कोई रस्सी नहीं थी, इसलिए अब सभी अपने कपड़े से रस्सी बनाकर हेलेन को नीचे भेजते हैं जहाँ वो कपड़े की मदद से नीचे जाने लगती है। पर थोड़ा नीचे आती रस्सी छोटी पड़ जाती है और अब उसे पता चलता है कि आखिर वो कितनी ऊंचाई पर है। तभी जिस कमरे में सारे लोग होते वो कमरा हिलने लगता है जिस वजह से सभी के हाथ से रस्सी छूट जाती है। लेकिन भाग से क्विंटिन रस्सी को पकड़ लेता है जिससे हेलेन नीचे गिरने से बच तो जाती है, पर जब क्विंटिन उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर लाने वाला होता है कि तभी उसे वो बात याद आती है जब हेलेन ने उसे गुस्सा दिलाया था, और उसी बात को याद करके वो गुस्से में हेलेन का हाथ छोड़ देता है जिससे वो बेचारी नीचे गिरकर मारी जाती है। जिसके बाद वो बाकी उसे झूठ कहता है कि मेरा हाथ फिसल गया जिससे हेलेन नीचे गिर गई। लेकिन किसी को भी उसके झूठ पर विश्वास नहीं होता। अब सभी कुछ समय के लिए वहीं सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्विंटिन की आंख खुल जाती है जो अब जॉन को दूसरे कमरे में लाकर उसे कहता है कि हम दोनों को अकेले यहाँ से निकल जाना चाहिए, बाकी लोगों की हमें जरूरत नहीं है। जो इतना कहकर वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड वहाँ आकर उसे रोक देता है। पर क्विंटिन उससे ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो उसे बहुत मारता है और घायल करने के बाद उसे नीचे वाले कमरे का हैच खोलकर उसके अंदर फेंक देता है। लेकिन वहाँ आते ही डेविड अजीब तरह से हंसने लगता है जो देखकर क्विंटिन हैरान हो जाता है कि आखिर वो इस तरह से क्यों हंस रहा है। इसलिए वो नीचे आकर देखता है जहाँ आकर उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वहाँ रेनेस का शव पड़ा था। तब उन्हें समझ आता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि घूम फिर के वो उसी कमरे में आ गए जहाँ वो पहले थे। अब डेविड उस कमरे के सामने वाले दीवार पर लगे हैच को खोलता है जिसके बाहर वही खुले आसमान वाली जगह होती है, जो देखकर वो सभी से कहता है कि हम फिर से उसी जगह नहीं आए हैं बल्कि वो कमरा इधर आ गया है और इसी वजह से उस समय कमरा हिला था जब हमारे हाथ से रस्सी छूटी थी। तब जोएन फिर से अपनी थ्योरी कैलकुलेट करने लगती है और अब जाकर उसे समझ आता है कि जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे वो सारे परम्यूटेशंस है और जिस कमरे में जाल लगा है वो कमरा प्राइम नंबर वाला नहीं बल्कि प्राइम नंबर्स के पावर वाला कमरा हो सकता है। और इस थ्योरी के अनुसार वो उस कमरे का भी पता लगा लेती है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो वाला कमरा होता है जहाँ उसके प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने के बाद भी उस कमरे में जाल लगा हुआ था क्योंकि हर लाइन में 26 कमरे हैं और वो कमरा उस लाइन में 27 नंबर पर है। लेकिन अब दुर्भाग्य से उन्हें उस कमरे में जाने के लिए सारे जाल वाले कमरे को पार करना होगा, और उसके लिए भी पहले जॉन को प्राइम नंबर्स के पावर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो बिना कैलकुलेटर या कंप्यूटर के संभव नहीं है। आप क्विंटिन जॉन को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई का जो तुम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकती। तब कजान अपने प्राइम नंबर्स के पावर को अपने दिमाग से ही कैलकुलेट करके उन्हें बता देता है, जो सुनकर सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि कजान एक स्पेशल इंसान है जिसकी दिमागी हालत भले ही ठीक ना हो लेकिन उसका मैथमेटिक्स एक साधारण इंसान से कहीं तेज है। इसके बाद अब कजान सारे आज पल के प्राइम नंबर्स के पावर्स को कैलकुलेट करते जाता है और उसी की मदद से अब सभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एक कमरे में आने के बाद डेविड वहां का हैच बंद कर देता है जिससे क्विंटिन वहीं फंस जाता है। पर जैसे ही क्विंटिन उस कमरे में आता है डेविड अचानक में नीचे वाले कमरे का हैच खोल देता है जिससे डेविड नीचे गिरकर मारा जाता है, जिसके बाद सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तब सभी उस कमरे में आ जाते जो कमरा इस क्यूब से बाहर
जाने वाला है। और अब जब कजान उस कमरे का हैच खोलता है तो बाहर से तेज रोशनी उस कमरे में आती है, जो देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और तभी वहाँ क्वेंटिन आकर जुआन को मार देता है जो अभी तक जीवित था, जिसके बाद वो डेविड पर भी हमला कर देता है। लेकिन तब तक कजान क्यूब से बाहर आ जाता है, पर जब क्वेंटिन बाहर जाने वाला होता है कि तभी पीछे से डेविड उसे पकड़ लेता है और तब वो कमरा भी बदल जाता है। और अब दो कमरे के बीच में होने की वजह से क्वेंटिन का शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके बाद कजान इस क्यूब से बाहर निकल जाता है। वहीं डेविड जोआन के पास आकर अपना दम तोड़ देता है, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर ये सारा खेल कौन खेल रहा था। हो सकता है कि ये इसके आगे के पार्ट में पता चले, इसलिए अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।